अम्बाला में मुंबई का एक बुजुर्ग दंपति लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुंबई के रहने वाले ये बुजुर्ग दंपति भारत भ्रमण पर हैं और इनका मकसद लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए जागरूक करना है। इसी मकसद को लेकर ये दिसंबर 2021 को घर से निकले थे और अप्रैल 30 तक अपनी यात्रा को खत्म करेंगे। इनकी कोशिश है कि पूरे भारत से कम 80,000 लोगों को ऑर्गन डोनेट की इस मुहिम से जोड़ा जाए। तो वही लोगों को प्रेरित कर रहे बुजुर्ग भाल शेखर छिलाना ने बताया कि वे अपनी कार से ही सफर कर लोगों तक पहुंचते हैं और उन्होंने ये प्रण उस वक्त लिया था जब उनकी बेटी को किडनी की जरूरत थी, लेकिन वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की ठानी ताकि भविष्य में किसी को भी ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने ये जो है 2016 से हम लोग स्टार्ट किया ये इसको मिशन को, जब हमारी बेटी को किडनी की जरूरत थी, उनका ट्रांसप्लांट जो 2016 में हुआ, उस दिन हमने रियलाइज किया कि ऑर्गन डोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, फैमिली के अंदर कितनी सफरिंग होती है। 13 जून 2016 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमने ये अभी जो हमारा जो ट्रिप है द कॉस्ट ट्रेवलर्स के नाम से हम लोग चल रहे हैं, हमने ये 10 दिसंबर 2021 को ये अपना नवी मुंबई से मिशन स्टार्ट किया था। पूरे भारतवर्ष में सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज हमारे 104 दिन यहाँ तक हो चुके हैं जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं और हम 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज कवर कर चुके हैं। हम लोग रोटरी क्लब के थ्रू, लॉयंस क्लब और बाकी एनजीओज के थ्रू, मून फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों से मिलते हैं। मिलने के बाद उनको इस बारे में बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन का क्या अवेयरनेस है और कितनी तरह के ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति जो है जिंदा जी 4 ऑर्गन को डोनेट कर सकता है, जबकि मरने के बाद हम 8 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। भाल शेखर के इस काम में उनका सहयोग उनकी 61 साल की पत्नी नामिता कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके मकसद में दिक्कत लोगों में भ्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की आ रही है, जिसके कारण उन्हें दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन लोग सहयोग भी बहुत कर रहे हैं। हम लोग जब भी निकले थे द कॉस्ट ट्रैवलर, हम लोग 80,000 प्लेजेस को उम्मीद लेकर निकले थे कि हम कन्विंस कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जगह मिथ है जो हम लोग अगर इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हमें वो ऑर्गन्स नहीं मिलेगा। सेकंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग कन्विंस हो जाते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे लैकिंग है। तो हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो आगे वाले दिन में गवर्नमेंट से भी प्रेशर आए, गवर्नमेंट को वो प्रेशर हुए कि उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे बनाए। आपको बता दें बुजुर्ग दंपति की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। दंपति के इस पहल से लोग जागरूक होंगे और इससे उन लोगों की सहायता होगी जो वक्त पर भयानक बीमारियों से निपटने के संसाधन नहीं जुटा पाते। अम्बाला से राजकुमार, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।